नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ पारुल। रुक कर लेते हैं खबरों का। इस वक्त जो खबर आ रही है वो इंदौर से है, जहां बच्चा चोरी मामले में अब परिजन संयोगितागंज थाना पहुंच गए हैं। यहां थाने में बच्चा मिलने की खुशी में परिजनों ने मिठाइयां बांटी हैं। आपको याद होगा एक दिन का बच्चा चोरी हुआ था, आज अगर देखे तो वो 5 दिन का बच्चा हो गया। खासतौर पर इस खबर को हमने आप तक पहुंचाया था और हमारी संवाददाता खुद MY अस्पताल में परिजनों से मिलने पहुंची थी और पूरे अस्पताल का दौरा अनादि टीवी ने किया था। कैमरे के जरिए हर कोने कोने पर यह जांचने की कोशिश की गई थी कि बच्चा चोरी हुआ तो लापरवाहियां कहां कहां देखी गई। उस टाइम सिक्योरिटी भी लगा दी गई थी क्योंकि चोरी का मामला नया नया था। अब हालात क्या होंगे ये भी देखना लाजमी है, लेकिन अभी खुशी का माहौल है थाने में, संयोगितागंज थाने में। बच्चा जो चोरी हुआ था उसे यहाँ जो छोड़कर गया उसके बारे में भी थाने में किसी को कुछ पता नहीं है, पुलिस को पता नहीं है। तो CCTV फुटेज जो आपको दिखाए गए थे नादी टीवी के माध्यम से, जिसमें दो महिलाएं जो बच्चे को लेकर, जो संदिग्ध थी, वो बच्चे को लेकर वहां से गायब हो गई थी और उसके बाद अब संयोगितागंज थाने में उसके बारे में भी किसी ने कोई जानकारी नहीं जुटाई। हालांकि CCTV फुटेज के माध्यम से उन दो महिलाओं को पकड़ा गया था कि शिनाख्त की गई थी कि ये महिलाएं हैं जो बच्चा चोरी करके गई थी। हालांकि मास्क वगैरह होने की वजह से चेहरा नहीं पहचाना जा सका, लेकिन उन्हें भी नहीं पकड़ पाए और अब जो बच्चा रखकर गया है संयोगितागंज थाने के बाहर अननोन पर्सन, उसके बारे में भी पुलिस को पता नहीं। हालांकि अब खुशी का माहौल है यहाँ पे क्योंकि परिजनों को उनका मासूम बच्चा मिल गया और परिजनों ने अब मिठाइयां बांटी हैं थाने।